Hello, in this video tutorial we are going to learn how to create this. So let's get started. सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेयर लेंगे, सॉलिड लेयर। उसमें हम ये कलर सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी मर्जी का लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं या डार्क कलर, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये कलर कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप फॉलो करें तो आपको यही कलर मिलेगा। ओके करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको शेप करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हूँ और इसका कलर मैं ये डार्क ब्राउन कर लेता हूँ। ये इस तरह यहाँ पर इसको फिर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट फिल्टर पे आता हूँ, ब्लर पे और गाशियन ब्लर। गाशियन ब्लर पे क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको मैं इस वजह से गाशियन ब्लर करता हूँ, थोड़ा सा इसमें जो है सॉफ्टनेस आ जाए, इस तरह से ओके कर लेता हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है ये अभी दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर यहाँ पर रखा हुआ है लाइटिंग फ्लेयर के नाम से, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इसके नीचे लेकर आता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इंटर, और यहाँ से मैं इसका ओपेसिटी, ये यहाँ से जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको मैं रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, स्क्रीन रख सकते हैं, ओवरले रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्क्रीन रख लूँ। स्क्रीन पे ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है और ओपेसिटी थोड़ा सा कम करता हूँ। आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक ओपेसिटी रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम अपना कॉफ़ी बोतल उठाएंगे, ये कॉपी करके मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स, अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड के साथ और इस तरह टेबल शेप के साथ बहुत ही मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इसका एक और लेयर लूँगा, कंट्रोल जे की मदद से डुप्लीकेट, कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक, और इसको मैं वर्टिकल करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ और कंट्रोल टी की मदद से राइट क्लिक वार्प कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लेयर मास्क लूँगा और यहाँ से ग्रेडियंट टूल अप्लाई करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट शेप सेलेक्ट है। यहाँ पर मैं कंट्रोल आई करूँगा ताकि ये इन्वर्ट हो जाए और इसके बाद यहाँ पर मैं वाइट कलर यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ से अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक खूबसूरत जो है रिफ्लेक्शन इसका बन चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और लेयर लेता हूँ, इसमें यहाँ से ब्रश टूल उठाऊँगा और इसको मैं ब्लैक करता हूँ ताकि इसके नीचे मैं ड्रॉप शेडो अप्लाई कर लूँ। कंट्रोल टी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस तरह रख लेता हूँ और इसको मैं इसके नीचे रख लेता हूँ। ये थोड़ा और भी ओरिजिनल लुक इसमें आ चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के मज़ीद वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं लेता हूँ, कॉफ़ी स्प्लैश, ये जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने इसको अपने मर्जी के मुताबिक जो है एडजस्ट करना है। मैंने जिस तरह बनाया है मैं उसी तरह बनाऊंगा, आप लोग किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इंटर करता हूँ, ये लोकेशन आई थिंक इसके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर कंट्रोल जे करता हूँ, इसी का दूसरा कॉपी, कंट्रोल टी, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
ये रहा फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ से मैं ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसको यहाँ से ऊपर लेकर आऊँगा और ये देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसी को कंट्रोल जे करके ए को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, कंट्रोल टी करके इसका थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन चेंज करके कंट्रोल जे करता हूँ, ए को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसी का कंट्रोल जे करके एक और यहाँ पर बनाता हूँ और इसका जो डायरेक्शन है इस तरह करता हूँ और इसका ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि ये लगे कि ये ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन है। अब इसका भी मैंने एक और डुप्लीकेट लेना है और मैंने यहाँ पर रखना है और इसका एक और कॉपी लेना है, कंट्रोल टी और यहाँ पर ओरिजेंटल, इसको भी मैंने यहाँ से इस तरह से कर देना है। इसी तरह यहाँ पर एक और कॉपी ले लूँगा यहाँ पर। अब मैं इनको जो है थोड़ा सा जो है ब्लर अप्लाई करूँगा, किसी को गॉसियन ब्लर, किसी को मोशन ब्लर। अब इसको मैंने अप्लाई करना है मोशन ब्लर, तो यहाँ पर आना है ब्लर और मोशन ब्लर। ये तकरीबन जो है 20 पिक्सल्स के अराउंड सही है। इसको भी मैं मोशन ब्लर अप्लाई करता हूँ। अब इनको जो है अप्लाई नहीं करेंगे ये ब्लर, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे है जैसे आपको पता है कि ये रखे हुए हैं नीचे, तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर इसका मैं एक और कॉपी लेता हूँ यहाँ पर ये। अब इसमें थोड़ा और काम रहता है, यहाँ पर जो मैंने पेज कर्व किया हुआ है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से पेन टूल उठाकर एक और लेयर लूंगा यहाँ पर इसके नीचे। अब मैं इसको जो है यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा ये। यहाँ पर मैंने कलर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आपने यहाँ पर इसका कलर चेक करना है कि कलर कोड क्या है, ये आपने अप्लाई करना है तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ से इसका लोकेशन 34 है। इसी तरह इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसका कलर है ये और लोकेशन 68 रखा है, तो आपको सेम इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। ओके, अब इसको भी डबल क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट ओवरले करता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका भी कलर कोड वही है और इसका जो एंगल यहाँ पर है -62 और इसका भी -62 है। सेम एंगल से आप लोग थोड़ा सा इसको देख के इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल उठाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नेचुरल। अब आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है आप वो लिख सकते हैं। इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ और इसका मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और इसका फॉन्ट मैं रखता हूँ यहाँ से, ये द कॉन्स्टलेशन फॉन्ट है। यहाँ पर मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल टूल उठाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जो है डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पर भी कुछ लिखना है मैंने, इसमें मैंने लिखना है
तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।